होटल में भी नहीं मिल सकता संदीप। ठीक है शुरू करो कार्यक्रम फिर आ जाओ, कहीं भी लेके हम घूम सकते हैं ना संदीप भाई, पर जान जाओ यही आदमी है वो। दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं भाई। क्या मेरा भी भला हुआ भाई, मेरे पास ना ना भाई बुक है। क्या नाम है? हैरी पॉटर बना, पॉटर बना के चला जाता। बैठ दो ना, कुर्सी दे दो ना, इतना हो सके हम गरीबों की हेल्प करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में बनाए हैं बहुत ही कमाल का ऑमलेट संदीप भाई और सूरज भाई ने। तो मैंने ना आंटी को ये बात बोली है कि आंटी आप क्या करो कि ना बच्चों को ना आंटी कंबल में ना रैप कर देती है, जैसे जैसे बच्चे सो गए रैप करते, बच्चे डायपर नहीं पहनाते हैं बच्चों को, तो बच्चे सुसु कर देते हैं, फिर ब्लैंकेट रोज धोने पड़ते। तो मैंने बोला बच्चों को ना सारे ये सूती कपड़े हैं वापस पूरे भरे हुए, तो बच्चों को सूती कपड़ों में रैप करा, नीचे गुदड़ी बिछाई और फिर हम ऊपर ब्लैंकेट डालेंगे। सही बोला प्रा? हां बिल्कुल सही। ताकि जो हमारे सूती कपड़े ना धूप आ जाती है जल्दी सूख जाते हैं। इधर मैंने गाइस रख दिए सारे ए टू जेड लंगोट और ए टू जेड पजामिया। तो गाइस ये वाला घर आपने पहले भी देखा होगा, तो यहाँ पर सूरज भाटिया हमारे ऑमलेट किंग है। और सूरज कह रहा है कि जिंदगी में अगर कुछ हुआ या ना हुआ पर मैं ऑमलेट की दुकान जरूर खोलूंगा एक बार। ये बहुत खतरनाक ऑमलेट बनाते हैं देखो, 36 तरह के। मैं कह रहा हूँ ये ना होटल में भी नहीं मिल सकता संदीप, 36 तरह के ऑमलेट अलग अलग बिल्कुल वैरायटी, साफ सुथरा भी बहुत बनाते हैं ना, ऐसे लजीज टाइम देते हैं ना दिल से। तो आप देख लो गाइस ये वाला ऑमलेट और ये वाला ऑमलेट दोनों, जो मैंने खाया था वो वाला ऑमलेट, मतलब बहुत ही कमाल के ऑमलेट, दिल खुश हो गया। अगर किसी होटल वोटल में होती तो मैं इसको टिप भी देता 5-10 हजार। तो जब भी मैं दिल्ली पहुंचता हूँ ना, जो हमारा भाई है संदीप भाई, वो सेवा में इतनी सारी चीजें हाजिर कर देता है, फ्रूट व्रूट सब कुछ, मतलब भाई हो तो है। और मैं आपको बता देता हूँ, काफी लोगों को पहले बता चुका हूँ, संदीप भाई मेरे चाचा के लड़के और मुझसे 1 साल बड़े, और हम बचपन में इतनी मस्तियां की। यार 3 महीने। अच्छा 3 महीने। तो गाइज अभी अभी ना गोलू की कॉल आई और जैद हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत खराब है, शायद उसको कोल्ड हो गया है। क्योंकि ना क्या है ना, जिस रूम में वो सोते हैं ना उस रूम में बाहर वाली खिड़की है, और आपको पता है 14th फ्लोर पे थोड़ी बहुत हवा आई है, उससे उसको ठंड लग गई है। तो भैया यहाँ पर दोबारा से कुछ तरीके से कुछ बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे बंटी को चाय वाय बनाना, बंटी चाय बनाने आती है, तो बंटी को चाय बनाने आती है, तेरे को रोटी बनाने आती है, सब कुछ देख कैसी लग रही है। तो गाइस ये मैंने मंगाई थी अर्बानिक से गोलू के लिए, क्योंकि ये बहुत लंबी है, मेरे को तो आएगी नहीं। और ये हम तब पहनेंगे जब हम थोड़े और फिट हो जाएंगे। मैंने पहनी थी गाइस, ये मुझे बंद नहीं हुई, तो थोड़ा और पतला, अभी तो पतला होना है, अभी तो बहुत ज्यादा पेट का एक महीना भी नहीं हुआ पूरा। तो गाइस आज का जो दिन है ना वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इसलिए है कि हम दिल्ली की सड़कों पे घूम तो रहे हैं, यहाँ पे जाम हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि आज है यहाँ पे छुट्टी। संदीप भाई छुट्टी किस बात की? गेस्टेड हॉलीडे है। तो गाइस बहुत सारे काम निपटा लिए हैं और अब भूख लगी है बहुत ज्यादा, तो मैं गाड़ी में भैया फ्रूट लेके आया था और पपीता लेके आया था, थोड़ा सा अंगूर खा लेते, पेट में ना ऐसा रखा बस कुछ खा लूं। तो आज मैं डाइट ना घर से ही लेके आया था, और इसमें पपीता और भूख ना बहुत ज्यादा लगी है, और अभी जा रहा हूँ अपने भाई से मिलने, लेके चल रहा हूँ, कपड़े ही कपड़े मिलेंगे, थोड़े से कपड़े हम भी उठा लेंगे वहाँ से। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए वंश भाई के पास, और वंश भाई को आप जानते तो नहीं हो पर जान जाओ यही आदमी है वो। तो भैया आज यहाँ से पूरा ट्रक भर के ले जाएंगे हम कपड़ों का, और क्योंकि पिछली बार उन्होंने हमें बहुत ही खतरनाक कपड़े भेजे थे जो मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा पसंद थे, तो बोली जब भी आप वहाँ पहुंचो तो वहाँ से ट्रक भर के लेके आना कपड़ों का, और हम पहुंच गए। तो वंश भाई को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम बायो में, कॉन्टेक्ट नंबर में भैया तंग मत करना, साथ में सिर्फ कपड़ों के रिलेटेड कॉल करना, क्योंकि मैं भी महीने 20 दिन में एक आधी बार आता हूँ ना। बिल्कुल सही बात है, दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं भाई, मत करो इनको, पता है इनको, पता था मैं दिल्ली हूँ। तो भाई शॉपिंग हो गई है कम्प्लीट, और ये कपड़े देख लो सारे मैंने लिए, जूते चप्पल चश्मे, और अभी 18 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 23 मिनट का होंगे, 23 मिनट का जाम इतना। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए, और कहाँ पहुंचे आप देख लो, चेहरा जाना पहचाना नहीं है, ये चेहरा बहुत ही जाना पहचाना है, इन्होंने बहुत फंड किए चोट खाने के। और यहाँ पर देखो निशा लांबा के पास कौन आया है आज? निष्ठा, और निष्ठा यहाँ पे बाल लगवा रही है, तो इसका इंटरव्यू बाद में लेंगे, ठीक है? मैंने बहुत कोशिश की भाई, बहुत मेहनत की। ये बताओ तुम, सिर्फ ये बताओ तुमने मेरे चक्कर में काटा, मेरी याद में आपकी याद में काटा मैंने, अरमान भाई आएंगे मैं अपना हाथ काटती हूँ। तो गाइस आज निशा के साथ मुझे कई लोग देख के थोड़ा सा परेशान होंगे, पर मैं बता देता हूँ, देखो क्या ना, जहाँ पे भाईचारा होता है वहाँ कलेश होते रहते हैं, और मेरा इसका झगड़ा छोटा मोटा पहले चलता रहता था। नहीं कभी नहीं चलता रहता, नहीं चलता रहता, नहीं नहीं कभी नहीं चला। मेरी हर मुसीबत में जब भी मेरे पे प्रॉब्लम आई, इनका फोन सबसे पहले आया, क्या हो गया, तूने क्या किया, कैसे हुआ, ये हमेशा मेरे साथ। जब मैं ऐसी वीडियो देखता हूँ ना तो मैं उसी टाइम फोन करता हूँ, और ये 1 मिनट में कॉल उठाती है, फिर बोलती है जी भाई, बोले क्या हुआ तुझे, क्या परेशानी है, बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, और मैंने इसको इतना समझाया कि तू मत करा कर ऐसे काम, क्या होता है ना तू अब सेलिब्रिटी बन गई है, तो अच्छी चीजें नहीं दिखेंगी, तू अगर किसी को ओए बोलेगी वो दिख जाएगा, तू अगर किसी को प्यार से अपने हाथ से खाना भी खिलाएगी ना वो नहीं दिखेगा, ठीक है?
अपना बस ये है कि अपना अच्छा करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और भाई के साथ मेरा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुआ, हमेशा साथ खड़े रहे थे और अभी भी हैं, और मुझे पता है आगे भी रहेंगे, और मुझे गाइड भी करते रहते हैं, वो भी बहुत मुझे हेल्प करते हैं। भैया अभी मैं दिखा देता हूँ, लड़की ने बाल लगवा लिए, बेटा पैसे दे दिए? हाँ दे दिए पूरे पूरे। चलो ठीक, बाल दिखाओ पीछे से। तो कुछ बोलना चाहोगे आज? मैं निशा से मैं पूछ लेता हूँ निशा से, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? मुझे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरे बाल कभी कोई खराब कर रहा था, कभी कोई खराब कर रहा था, पूरे डैमेज हो गए थे। बट आई फील दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सैलून इन इंडिया। थोड़ी इंग्लिश गला करो, थोड़ी इंग्लिश में पूछ लेते, पंजाबी में तो बोल बोलते हैं, पंजाबी में ही बोलो। चलो पंजाबी में, पंजाबी से बोला। सो मुझे लग रहा है कि बहुत वधिया सैलून है इंडिया च, एंड जिन्हिया भी कुड़ियां देख रही हैं तुसी आके एक बारी जरूर सर्विस कराओ, क्योंकि मैं तो फुल सैटिस्फाइड है, एंड मैं चाहूंगी कि तुसी भी हो। एक बात और बता देता हूं, बस इतना है भाई, इतने पैसे मिले तो एक बात और बता देता हूं ये सच में बता रहा हूँ। निष्ठा का शूट था 6 तारीख का, उसने शूट कैंसिल किया कि मुझे जाना है। निष्ठा ने बोला कि मुझे निशा दीदी के पास जाना है और वहीं से काम करना। मैंने बोला था कि वहीं से करा, तू परेशान हो गया, तू काम कर बाल उतरवा दे। फिर बोली मुझे वहीं लेके चलो। फिर मैंने बोला चलो यार किसी गरीब का भला आ जाएगा। दिल्ली आएंगे तो मैं निशा से जरूर मिलने आऊंगा, और मैं कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए होटल बुक करवा दे। होटल नहीं बुक करा है मैंने, भाई बुक है, वेदांता बुक है भाई, वेदांता। हमारी बड़ी बहन है तो मजाक मस्ती चलती रहती है हम दोनों के बीच में ऐसे। मुझे अच्छा लगता है भाई की कंपनी, और पॉजिटिव बंदे हैं और हार्ड वर्किंग है, वो इम्पोर्टेंट। बस अल्लाह ही है पगली। तो गाइस पूरे दिन से घूम घूम के हम हो गए थे पूरे काले, जाते जाते हमारी बेटी आई है और पायल के लिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज। क्या कहना चाहोगे बच्चे? मैं कहना चाहती हूँ पायल दीदी रोई है, वो रोए ना इतना, उनकी मम्मा पापा किसी ना किसी दिन उनसे जरूर मिलाएंगे, मैं गॉड से जरूर प्रेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। तो गाइस पिछले ना 3 दिन से चीकू मुझे बोल रहा था कि मम्मा स्कूल में हैरी पॉटर बन के जा रहा है, मेरे ड्रेस ऑर्डर कर दो, हैरी पॉटर बन के जाना है। तो एक्चुअली क्या सैटरडे संडे चीकू को ऑफ होता है, बट अभी क्या गवर्नमेंट की वजह से ना काफी सारी ऑफ मिली थी बच्चों को, तो उसकी वजह से इनका सैटरडे और संडे का जो ऑफ है ना वो मैम ने कर दिया। बोलो हाँ दीदी, कह रही हेलीकॉप्टर क्या होता है? हेलीकॉप्टर नहीं, हैरी पॉटर। दीदी हैरी पॉटर बन के जाना है उनको। अच्छा, और तो फिर मैंने सोचा हेलीकॉप्टर बन के जाना है। हेलीकॉप्टर क्या नाम है? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर बना के चला रहा था दीदी, कार्टून होता है। अच्छा मूवी क्या? फिर ये बोल रहा ना मूवी, मूवी बन के जाना है। तो फाइनली गाइस मैंने वो जूता पहना जो इंडिया में अब तक किसी ने नहीं पहना, आप देख सकते हो बहुत ही कमाल का जूता लग रहा है। और निशा कह रही एक जूड़ा मेरे लिए भी मंगवा। हाँ भाई मेरे लिए भी मंगवा लो, मतलब इसमें तो मेरा पाँव फिट बैठ जाएगा। मतलब एक बार पहनाऊं तेरे को? पहना दिखाऊं भाई? पहन के चल के देखना तू कैसा लग रहा है तेरे को। तो वैसे देखो मैं तो फुल खतरनाक लग रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले जूते पहन के आज मैं क्लब चला जाऊं। तू क्या बोलते हो? बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर लाए कहाँ से हो ये? अच्छा लाए कहाँ से? अरमान मलिक बताएगा तुम्हें लाए कहाँ से हो, बताओ यार। वही पहनेगा ना जो किसी ने नहीं पहना हुआ आज तक। तो ऐसी क्या ना, मेरी रेड पैंट है, रेड थोड़ी सी पैच उसके अंदर, और रेड टी शर्ट है, और बहुत ही कमाल का लगने वाला हूँ आज तक। बनाओ नहीं ठीक है, आप अच्छे लग रहे हो, आप पे सूट करेगा, मैं तो भैंस का पट्टा हो जाएगा। कुछ लोग ना हमसे भी बहुत मोटे होते हैं, हमसे भी काले होते हैं, हमसे भी आगे टेढ़े होते हैं, तो भगवान ने जो हमें बना दिया ना, आज के बाद में तू खुद अपनी बॉडी शेविंग कभी करती मिल गई मुझे तो जिंदगी में बात नहीं करूंगा। ठीक है नहीं करूंगी। लोग हैं उनको बोलने दे, तू क्या सोचते तू पहले बोलने लग जाते कुछ उल्टा सीधा? नहीं बोलना, सब भाई बहन सब लोग अपने हैं। आज के बाद तुझे मस्त रहना, बॉडी शेमिंग खुद की कभी नहीं करनी, नहीं करते। कुदरत ने जिसने सुन लिया गलती से कुछ हो गया, हाथ पैर टूट गया तो रोएगी तो फिर। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर ना एक जूता बना हुआ जिससे आपका पैर फिट हो जाए और ये ज्यादा हिले ना, ठीक है ना? हाँ। और बहुत ही फिर कमाल का लगने वाला, निशा को पहना दिया। हाँ अभी मैं अंदर काउंट डालने जा रही हूँ। ठीक है डाल, बैठ देना, कुर्सी दे दो ना, गिर ना जाए ना लड़की हमारी। हाँ जी क्या कहना चाहते हो, कैसे लग रहे? कंफर्टेबल तो है ना, कैट वॉक वेरी गुड। अजीब तो लग रहे? इंडिया में सबसे पहला जूता तुम्हारे भाई ने पहना है निशा को, तो ये मत बोल देना कि जूता कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है ये नहीं बता सकता हम प्लीज। फिर सारे वहीं पहुंचाएंगे, और हकीकत बता रहा हूँ ये कि प्लीज था। तो भाई यहाँ पर निष्ठा कह रही है एक बार ये जूता पहन के मेरी एक रील बना दो,
जिससे मैं रातों रात वायरल हो जाऊँ। उसके बाद लोग ये बोले कि सबसे पहले निष्ठा ने जूता पहना था। बोला कोई बात नहीं, जितना हो सके हम गरीबों की हेल्प करेंगे, जितना भी हो सके, ठीक है ना। तो भैया हम पहुंच गए हैं जतिन भाई के घर। जाके बेटा सबके पैर हाथ लाना, नमस्ते करनी है। तो भैया हम पहुंच गए घर पे और भाभी फुल रेडी है। भाभी ने खाना बनाया कमाल का। क्या बनाया भाभी, जल्दी बता दो। राजमा चावल भिंडी की सब्जी और रोटी। थोड़ी सर्विस लेट है बेटे, क्या बनाया जल्दी बताओ। सच्ची में राजमा चावल भिंडी की सब्जी नहीं बोलना था, पास बोलना था। हाँ जी सर, क्या बना खाना? राजमा चावल बस। बहुत स्लो है तो कोई बात नहीं भैया, अभी आराम करते हैं, थोड़े कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं दोबारा दिल्ली के लिए। तो गाइस हर बार ना भाभी नाराज हो जाते हैं मुझसे, क्योंकि ना दिल्ली के इतने काम होते हैं। भाभी कहते हैं तू घर नहीं आता। इनको क्या समझाऊं मैं कि भाभी इतने काम होते हैं, मेरी मजबूरी समझो। पर ये समझ गए हैं, आगे से चल आऊं या ना उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तो गाइस आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखो, सेफ रहो और जी से रहो।